प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग जो है क्लास 9 साइंस के अंतर्गत जो है पहला लेसन मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन के अंतर्गत आंकिक न्यूमेरिकल जो प्रश्न है उसको देख रहे हैं। इससे पहले आप चार अभ्यास से चार प्रश्नों को आप हल कर चुके हैं। आज हम पांचवें प्रश्न को लेकर आए हैं जो ग्राफ से संबंधित है। और सवाल यह है कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक ना? 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है चल रही है और ब्रेक लगाता है तो कार विपरीत दिशा में एक समान गति से त्वरित होती है और 5 सेकेंड बाद वह जो है रुक जाती है। कितने सेकेंड बाद? 5 सेकेंड बाद, ठीक है। एक दूसरी कार है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाया जाता है, उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस पर जब ब्रेक लगाया जाता है धीमे धीमे तो उसको समय 10 सेकंड लगता है कार रुकने में, ठीक है। इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है और यह दिखाना है कि जो है कौन अधिक दूरी जो है तय करती है। जो 52 किलोमीटर जिसकी चाल थी वह अधिक दूरी तय करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे जिसकी चाल थी वह अधिक दूरी तय करती है। आप लोगों के सामने जो है एक ग्राफ प्रस्तुत है, या वो है या एक्स है या वाई एक्स होगा। इस पर एक्स एक्स पर समय को जो है सेकेंड में प्रदर्शित किया गया है और इधर जो है दूरी जो है मीटर में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। दूरी किसमें? मीटर, यानी एक खाने बराबर जो है 2 मीटर माना गया है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 करते हुए 16 स्तर बना गया है। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको हमको जो है बदल देना है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए जो है हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो 52 में जो है 5/18 का गुणा हो जाएगा, ठीक। तब गुणा करिए तो 52 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 25 × 26। 5 × 10 = 25 × 26 यानी 260 बटे जो है 18 हो गया। और फिर हम 18 का 260 में भाग देते हैं, 18 × 36 अधिक हो जा रहा है, एक बार ले जाएंगे 18 का में 18, 16 × 8 = 8 और 0 उतार लेते हैं। 18 × 6 = 72, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 72, 8 हो गया है। फिर 0 ऐसे 14.44 आपका जो है, यहां मान लीजिए 14.5 हुआ, यहां पर ये आपका 14.4 हो गया, ठीक है। इसी तरह 30 किलोमीटर को भी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 150/18, ठीक है। अब फिर इसमें 18 का भाग देते हैं 150 में, 150 में 18 का भाग देंगे तो 18 × 162, 8 वाले जाइए, 8 × 8 = 64, 18 × 8 = 14, 144, 6.0 = 54 है ना,
और फिर 18 दिन चम्मच यानी 8.3 दिन हो गया। तो 8.5 यहाँ होगा, 8.33 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला जो समय लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, यानी जब 52 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चला तो उसको 5 सेकंड समय लगता है। तो 52 किलोमीटर के जब मीटर में उसको हम बदलेंगे, 52 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर में हम बदलेंगे तो वह हो जाएगा आपका, इसको यहाँ हम मिटा कर लिख दे रहे हैं, बावन किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 14.44 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा, और यह जो है 8.33 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, ठीक है। इसके इसको जो समय लगता है आपका 5 सेकंड लगता है, और इसको जो समय लगता है 10 सेकंड लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड, ठीक है। अब आइए 14.44 मीटर प्रति सेकंड यहां पर हमने बताया, इस पर समय कितना लग रहा है 5 लग रहा है ना। तो यहां से सीधे हम आ जाएंगे 5 पर, इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा, इसका हम नाम रख देंगे ओ, इसको नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए आर, ठीक। उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, उसको 8.33 हुआ है, 33 मीटर प्रति सेकंड हो गया है, और यह 10 सेकंड तक मिलता है, 8.3 यहाँ हो रहा है, आपका 10 यहाँ हो रहा है। तो ये यहां से इसको इसका भी नाम रख दीजिए, वो यहां है, यहां नाम रखिए एल रख दीजिए, इस पर एम रख दीजिए, ठीक। तो दो त्रिभुज आपको प्राप्त हो रहा है, एक त्रिभुज ओ पी आर और एक ओ एल एम, दो त्रिभुज आपको प्राप्त हो रहा है, यानी एक आपको यह त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। और एक जो है आपको यह त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, हो रहा है ना। अब जो है हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। तो पहले हम इसका निकालते हैं, ओ पी आर का त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी आर का क्षेत्रफल है ना, तो 1/2 × आधार, या आधार यानी कितना खाना 5, और यह कितना है 14.44 है, उसको चाहे तो आप बटा में भी लगा सकते हैं, यह 14.44 ही लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, दीजिए 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 4, फिर गुणा कर दीजिए 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 11, 5 × 10 = 0, 5 × 10 = 11, 5 × 7 = 35, 36, यह हो गया आपका मीटर, 36.10 मीटर, ठीक है। अब त्रिभुज इसका निकालिए, त्रिभुज ओ एल एम का, त्रिभुज ओ एल एम का क्षेत्रफल बराबर, ये भी उसी तरफ फार्मूला से 1/2 × इसमें आधार कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, और इधर कितना हो रहा है 8.33, काट दीजिए 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 = 16, 5/40 = 41,
मीटर। कौन अधिक दूरी तय किया है? आठ दशमलव तीन थे। इस तरह से देख रहे हैं कि जो है जिसका क्षेत्रफल अधिक निकला है वो अधिक दूरी तय किया है। इस आधार पर जो है हम जो है पता कर लेते हैं किसका दूरी अधिक है, तो जिसका क्षेत्रफल अधिक रहेगा वह अधिक दूरी तय करेगा, है ना। यह आपका प्रश्न नंबर पांच हो गया, ठीक है। इसको एक बार और समझ लीजिए। यह एक ग्राफ बनाते हैं ओ एस वाई और इस पर जो है हम समय को प्रदर्शित करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, और इस पर जो है दूरी को जो है मीटर में प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद जो है हम इसका अपना अलग अलग जो है निकाल लेते हैं, जो किलोमीटर प्रति घंटे में है उसको जो है हम किसमें निकाल लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में जो है हम निकाल लेते हैं, और उस आधार पर जो है हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकालते हैं और इसके आधार पर उसकी दूरी हम पता करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिटा दे रहे हैं इसको। प्रश्न नंबर छह है आपका, एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ को वही जो है देखकर आपको जो है इसका उत्तर देना है ना। ग्राफ को ही देखकर आपको उत्तर देना है। इसमें आपका समय दिया हुआ है, जो 0.4, 0.8, 1.2 और 1.6 सेकेंड है, ठीक है। इधर आपका जो है 4, 8, 12 दूरी दिया हुआ है किलोमीटर में और ये घंटे में जो है समय घंटे में और यहां पर दूरी है आपका किलोमीटर में, ठीक है। और तीन रेखाएं जो है अलग अलग दिशा में गई है, मूल बिंदु से एक रेखा इधर गई है, इसका बी नाम है, ठीक है ना। एक रेखा जो है इनके बीच में से गई है, इसका नाम सी है, और एक रेखा जो है 4 और 8 के बीच में से गई है, इसका नाम ए है ना। तो इससे जो है प्रश्न जो है कई पूछे हैं। पहला प्रश्न ये पूछा है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है,
जैसा कि आपको जो है देखने से ही स्पष्ट हो रहा है, ए का आंसर ए है कि जो बी है, बी वस्तु, ठीक है, बी वस्तु जो है, बी वस्तु जो है क्या है, सबसे तीव्र, मतलब कि सबसे तेज गतिमान है, बी वस्तु तीव्र है ना, क्योंकि इसका जो ढलान आप देख रहे हैं बी का सबसे अधिकतम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां आ रहा है, इधर से ले लीजिए और इधर से ले लीजिए, ठीक, इसका यहां आ रहा है जो इससे कम है, इसका भी इससे कम है ना। उसके बाद जो है दूसरा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे, ये बताइए कि सीधे इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, ये तीनों जो है कहीं भी किसी समय जो है दूसरे से मिलेंगे नहीं, है ना, यह दूसरा आपका था। तीसरा है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर लिया होता है, बी आपका बी यह है और ये जब ए से जो है गुजर रहा है, ये आपका यह है, ठीक है, जब गुजर रहा है तो बी ए से गुजरते हो तो उस समय सी कितनी दूरी तय कर लिया होता है, तो सी यहाँ पर इसका जो है यह कितनी दूरी तय कर रहा है, जब आप ग्राफ में देखेंगे है ना, और उसको जो है खाने जब गिनेंगे, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें ग्राफ में आपके गिनेंगे खाने जब गिनेंगे तो उस हिसाब से जो है वो पता चल जाएगा कितनी दूरी तय किया है, तो ये सी जो है सी यहाँ तक पहुंच गया है, कब, जब ये दोनों ए और बी एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल रहा है, ए और बी जब एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं तो जो सी है वह यहाँ तक दूरी तय कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो अंतिम है कि जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय वह कितनी दूरी तय कर लिया होता है, बी सी से गुजरती है तो उस समय तक वह कितनी दूरी तय कर लेती है, बी सी से जब गुजरता है तो बी आपका जो है यह और सी से यह जो है गुजर रहा है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर ले रहा है, तो इसका भी यही निकालेंगे यहाँ से खाने गिनकर, है ना, इसमें स्पष्ट हो जाएगा इसके बीच कितने खाने हो रहे हैं, जब उसको गिनेंगे तो आप जो है क्लियर आपको निकल जाएगा, जब यहाँ से इतने इसके बीच में जो खाने आप गिनेंगे तो वह निकल जाएगा कितने जो है हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ कर देख कर ही जो है इसका आंसर निकालना था, जो आप जो है बहुत ही आसान है, और उसको केवल जो है थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, जो खाने हैं उसको आप गिन लें कि हम कितने किलोमीटर के, मतलब एक से चार के बीच में कितने खाने हो रहे हैं, अगर चार खाने हो रहे हैं तो एक खाने बराबर आप जान जाइएगा कि क्या है, एक किलोमीटर है ना, इस आधार पर जो है वह निकल जाएगा आपका, ठीक। तीनों आप जो भी ए बी सी जो है प्रश्न का उत्तर दिया होगा, ए बी सी डी का, उसका आप उत्तर लिख रहे हैं, है ना। आइए एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, सातवां और आठ नौ दस तीन प्रश्न है, उसको हम कल देखेंगे, आज एक प्रश्न हम देख लेते हैं, इसके साथ आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर सात, प्रश्न नंबर सात है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग इतना कि एक समान त्वरण से जो है त्वरण की दर से बढ़ता है ना, तो वेग के धरातल पर टकराए वो कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी, तो 20 मीटर यानी यस बराबर जो है आपका 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका ए बराबर जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यू बराबर यहाँ जीरो हो जाएगा, भी बराबर पूछ रहा है, हाँ? समझे, पहले इसका ए निकाल लेते हैं, उसके बाद अंतिम वेग निकालेंगे, कितने समय बाद पूछ रहा है कि वह जो एक दूसरे से पृथ्वी पर टकराएगी, कितने
एक साथ वह या किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, उसका अंतिम वेग क्या होगा, वी और टी दोनों पूछ रहा है। इसको जो है आप फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से आप जो है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जो है आप टी बराबर निकाल लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जो है जब टी बराबर निकल जाएगा तो आप जो है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इससे आप चाहेंगे तो उसका अंतिम वेग निकाल लेंगे, इसमें मान रखेंगे। ठीक, ये बिल्कुल आसान है, आप इन दोनों में मान रखकर जो है इसका टी का और वी का जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्वयं लगाइएगा और आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, और फार्मूला पर इसको रख देना। तो इस तरह से जो है बस आज के दिन इतना ही, तीन सवाल और आपके बच रहे हैं जो कल हम लोग जो है उसको जो है क्या करेंगे देख लेंगे। आज के दिन बस इतना ही, धन्यवाद।